हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये जरबेरा की कटिंग ओ सॉरी की केयर के बारे में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जरबेरा जो है ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छा फ्लावर लगता है। ये सर्दियों के फ्लावर्स में, सर्दियों क्या, ये एक्चुअली अगर इसकी केयर की जाए तो ये जो है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है उन इलाकों में ये सारा साल सरवाइव कर जाता है। ये वाला प्लांट देखिए मेरा, ये जो मजेंटा फ्लावर वाला है, ये वाला और ये वाला देखिए, ये जो मेरे फ्लावर प्लांट हैं, दो प्लांट्स ये लास्ट ईयर के हैं। और ये वाला जो प्लांट है देखिए, ये फूल थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इनको मैंने सारे को उखाड़ के और इसके तीन प्लांट्स बनाए थे। तो इस पे मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि जरबेरा को प्रोपेगेशन कैसे करें। इसमें से नीचे से मैंने बेबी प्लांट्स निकाले थे और इसका भी गमला चेंज किया था क्योंकि ये प्लांट रूट बाउंड हो गया था। तो देखिए अभी ये प्लांट, आप इसकी लीव्स देखिए, ये प्लांट्स मरा नहीं है। ये देखिए, मुझे कई व्यूअर्स ने कहा भी कि आपने इतनी रूट्स इसकी काट दी हैं, कहीं ये प्लांट आपका सर्वाइव कर जाएगा। देखिए इसकी लीव्स देखिए आप, ये पूरा सर्वाइव कर रहा है प्लांट, देखिए। तो ये थोड़ा फूल खिला हुआ था इसलिए थोड़ा सा फ्लावर स्ट्रेस में है, क्योंकि ये मैंने इसको दो दिन छाया में रखा और आज धूप में रख दिया फूल, तो हल्का सा फ्लावर स्ट्रेस में लग रहा है, मुरझाया हुआ हल्का सा। बाकी प्लांट जो है वो स्टेबल हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा प्लांट है, सारा साल रह जाता है। और अगर इसको गर्मियों में आप इसको थोड़ा धूप मिलती रहे और मॉइस्चर मिलता रहे, मतलब ऐसी जगह इसको रखो आप जहाँ इसको सुबह की दो चार घंटे की धूप मिल जाए और फिर मॉइस्चर रहे, इसके मिट्टी गीली रहे। और देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया, मैंने ये फाइबर शीट पे रखे हुए हैं, तो ये शीट के ऊपर पानी देती हूँ तो पानी इकट्ठा रहता है, तो इनको मॉइस्चर मिलता रहता है। इन सारे प्लांट्स को देखिए जो मैंने इस शीट के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, तो उस मॉइस्चर वैसा मिलता रहे तो ये गर्मियों में भी सरवाइव कर जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर अभी मिलेगा आपको नर्सरीज में प्लांट, और इसके बीज भी आप अब लगा दीजिए अगर आपको मिलते हैं सूखा फूल कहीं। ये शादियों वगैरह में बहुत डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसका ये जो स्टेम होता है, ये जो फ्लावर का ये जो होता है स्टॉक, ये पिटियोल जो होता है, ये पिटियोल या स्टॉक जो भी है, स्टॉक ही कहते हैं इसको, वो हॉलो होता है। तो ये हॉलो होने से जो है इसको शाम के टाइम अगर या अर्ली मॉर्निंग में धूप से पहले यहाँ से काट लेते हैं, तो बिल्कुल बेस से काट लेते हैं और फिर इसको पानी में डाल के रखते हैं फ्लावर डेकोरेशन वगैरह के लिए, तो ये खूब दिन चल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है डेकोरेशंस वगैरह में। तो अब हम इसकी सॉइल वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इस प्लांट की पहले सन की बात कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये सर्दियों में मिलना शुरू हुआ है। आप इसको लाएं तो सबसे पहले बचाएं कैसे, इसको जो है 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। ज़्यादा कम धूप में अगर आप इसको लगाएंगे तो फिर इसमें फूल नहीं आएंगे। इसको ऐसी जगह पे आप रखें जहाँ 5-6 घंटे की अच्छी धूप मिले प्लांट को, तो ये जो है फ्लावर करता है। और सर्दियों में इसको पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं देना है। पानी इसको आपको तभी देना है जब ऊपर की जो लेयर है वो मिट्टी की सूखने लग जाए। अब देखिए, ये वाला प्लांट जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने सुबह पानी दिया। अब जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, देखिए इसकी मिट्टी कितनी वेल ड्रेन्ड है। देखिए, सुबह मैंने इसको पानी दिया था और मिट्टी इसकी ऐसी है, तो ऐसी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉगी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। अब जैसे मैंने इसको आज पानी दिया है, तो सुबह मॉर्निंग में दिया था, अब मैं इवनिंग में वीडियो बना रही हूँ, तो अब मैं इसको कल मॉर्निंग में पानी नहीं दूंगी और अब मैं इसको परसों मॉर्निंग में पानी दूंगी। एक चीज़ और, जब सर्दियों का मौसम होता है तो आप पौधों को पानी सुबह दिया करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे धूप चढ़ती है इसके जो पत्ते वगैरह हैं, सभी प्लांट्स के, इसके भी, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसके पत्ते गीले हों तो फंगस का अटैक इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सूख जाता है धूप आती है तो पानी वगैरह। अगर आप शाम को पानी देंगे, अपने सारे प्लांट्स के लिए भी कह रही हूँ और जरबेरा के लिए स्पेशली, तो इस पे फंगस बहुत लगता है, क्योंकि रात को ठंड होती है, पानी सूखता नहीं है। तो स्पेशली सर्दियों में मैंने देखा है कि प्लांट्स को अगर आप शाम को ऐसा पानी देंगे तो इनमें फंगल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है, फंगस बहुत ज़्यादा लगती है पौधों में। तो ये जो है ये बहुत प्रोन टू फंगल डिजीज़ है, इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है।
तो इसलिए इस प्लांट को तो आप हर 15 दिन में अगर लगाया है तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। मैं तो अपने सारे प्लांट्स को 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करती हूँ, चाहे उसमें इंतज़ार नहीं करती हूँ कि पौधे में फंगस या कोई बीमारी लगे तो ही मैं स्प्रे करूँ। नीम ऑयल दोनों में काम आता है, कोई भी पेस्ट लगा हो, फंगस हो, सब में काम आता है, उसका आप 20 दिन में एक बार स्प्रे जरूर करें। और दूसरी चीज़ कि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जैसा मैं हर पौधों के लिए लेती हूँ वैसी मिट्टी मैंने ली है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद मैं लेती हूँ। खाद में आप कोई भी ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी नीम की, जैसे 1 इंच 12 इंच का गमला है तो इसमें 2-4 चम्मच नीम की खली डाल लें आप, और अच्छी तरह से पीसी हुई 1 चम्मच सरसों खली भी डाल लें आप, तो उससे भी अच्छा रहता है। और चीज़ जैसे मैंने कहा इसमें फंगस बहुत लगती है, तो आप जब इसकी मिट्टी तैयार करें तो उसमें 1 चम्मच आप फंजीसाइड पाउडर जरूर डाल लें। आपने देखा होगा, जब अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसका वीडियो बनाया था प्रोपेगेशन का, इसको डिवाइड करने का, तो मैंने हर गमले में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा जरूर डाला था। ट्राइकोडर्मा भी एक फंजीसाइड है, बायो फंजीसाइड है, मैं वो भी बहुत यूज़ किया करती हूँ। आपके पास जो भी फंजीसाइड आपको आसपास की दुकान पे मिले तो वो फंजीसाइड आप इसमें डाल लीजिए, ताकि आपके पौधे को फंगस नहीं लगे। तो मिट्टी की हमने बात कर ली, अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ये देखिए, जब आप इस प्लांट को लगाएं तो ये इसका क्राउन है। क्राउन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ से, ये देखिए क्राउन मतलब एक पॉइंट है, ये इस एक पॉइंट से सारे पत्ते ऐसे ऐसे सारे पत्ते बाहर की तरफ ऐसे आ रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको क्राउन कहते हैं, ये जहाँ से सारे पत्ते निकल रहे हैं एक साथ। तो ये जो क्राउन है ये सॉइल के लेवल में रहना चाहिए, ये जमीन के अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे मिट्टी ऐसे नहीं आनी चाहिए, जो मिट्टी है गमले की वो ऐसे नहीं आनी चाहिए, अगर ऐसे आएगी तो ये इसमें क्राउन रॉट डिजीज बहुत होती है, मतलब ये क्राउन गल जाएगा आपका अगर मिट्टी ऐसे रही आपके गमले में। आप इसको ज़्यादा गहरा नहीं लगाएं, इसको ऐसे लगाना चाहिए कि इसका ये जो क्राउन है ये देखिए ये बाहर रहना चाहिए, ये आपको बिल्कुल बाहर दिख रहा है, मैंने उंगली रखी है, इससे ऊपर है ग्राउंड। तो अगर ऐसे लगाएंगे तो आपका प्लांट सर्वाइव करेगा, और अगर आपने और ज़्यादा नीचे दबा दिया इस क्राउन को तो आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा, उसमें फंगस हो जाएगी। और सर्दियों में जैसे मैंने कहा पानी आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं दें, एक बार ऊपर की लेयर सूखने लगे तभी दें। हाँ गर्मी में आप इसको पानी दे सकते हैं, और म॑र्निंग में जब आप इसको पानी दें तो 2-3 दिन में एक बार अच्छी तरह इसकी पत्तियों पर मिस्टिंग भी करें, सुबह के टाइम। शाम के टाइम जैसे इस टाइम 5 बज रहे हैं, इस टाइम मिस्टिंग नहीं करनी है। इस टाइम मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पानी अगर रह गया तो पत्तियों पे फंगस लग जाएगी, और फिर एक बार इस प्लांट में फंगस लग जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है बचाना, कोई फंजीसाइड इस पर फिर उसके बाद असर नहीं करता है। इसलिए एक तो आप मिट्टी में पहले से फंजीसाइड पाउडर डाल लें, और लगाने के बाद प्रिकॉशनरी 1/2 चम्मच पाउडर फंजीसाइड इसके रिम के साइड साइड ऐसे डाल के और ऐसे ऐसे मिट्टी में मिक्स भी कर दें, मिट्टी में भी डाल दें और 1/2 चम्मच आप टॉप पे भी डाल दें, ताकि आपके प्लांट को कोई भी फंगस इसको नहीं लगे। अब हमने धूप की भी बात कर ली, पानी की भी बात कर ली, और प्रोपेगेशन की जब मैं बात करूँगी तो मैंने प्रोपेगेशन पर अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया है। ये मेरा प्लांट पूरा रूट बाउंड हो गया था, ये वाला पिछले साल का प्लांट है, और इसमें से मैंने 2 प्लांट्स और निकाले हैं, तो वो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, भी दिखा दूँगी। तो वैसे इसका प्रोपेगेशन वैसे होता है, और दूसरा सीड्स के थ्रू होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अभी देखिए मैंने सीड्स इसके लगाए हुए हैं, मैं दिखाती हूँ, एक दो सीडलिंग्स में ट्रू लीव्स भी आने लगी हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसकी सीडलिंग मैंने लगाई हुई है, और ये देखिए ये इसकी ट्रू लीव्स आने शुरू हो गई हैं, ये देखिए ये अब इसमें कट बनेगा और ये दोबारा से इसकी लीव्स, ये देखिए ये लीव्स आने शुरू हो गई हैं इसमें, ये ट्रू लीव्स हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इसी प्लांट की पौध है। तो ये ऐसे आपको कोई सूखा अच्छी तरह वेल ड्राइड होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह सूखा हुआ फूल हो, तो उसको आप कैसे लगाना है वो मेरे वीडियो बनाई हुई है मैंने उस पर। और ये देखिए ये जाफरी वाला
मैरीगोल्ड है, गेंदा है, और ये जाफरी है, ये छोटा रहता है, इसमें ऑरेंज कलर के फूल निकलेंगे, हाइट कम रहती है। एक कुछ मैंने लगा दी थी, कुछ देखिए ये लगाई हुई है, अभी ये सीडलिंग निकलने शुरू हो रही है, ये देखिए कुछ मैंने पहले लगा दी थी, ये अभी लगाई हुई है। और ये देखिए, ये मैंने एनुअल क्रेजेंथेमम की लगाई हुई है, और ये नास्ट्रोशियम की है। नास्ट्रोशियम की सीडलिंग्स मैंने ट्रांसप्लांट कर दी हैं, ये एक अभी एक्स्ट्रा बची हुई है, दो पड़ी हैं, बाकी मैंने लगा दी हैं गमलों में। तो एक और चीज़ बताना, मैं सीडलिंग्स दिखाने लग गई कि इसकी ये जो पत्तियाँ जमीन को टच करें, ये देखिए ये भी जमीन को इतनी अच्छी तरह टच नहीं कर रही हैं। जो पत्तियां जमीन को टच करती हैं उनको ऐसे आप, मतलब ये जो सॉइल को टच करती हैं जो पत्तियां, उनको ऐसे हटा देना चाहिए, देखिए ऐसे, क्योंकि ये पत्तियां जो हैं वो ऐसे देखिए मिट्टी को ऐसे टच करती रहेंगी, तो इसमें इनमें फंगस हो जाती है, और वो फंगस इसके क्राउन को खराब कर देती है। तो देखिए आप भी देखिए, ये सारी मैंने नीचे की पत्तियां देखिए हटाई हुई हैं, आपको ये कटी हुई दिख रही होंगी। तो जो जो पत्तियां नीचे टच होती हैं उनको मैं इसमें भी देखिए, ये मैंने ये पत्ती हटाई हुई है, ये देखिए ये लीफ, ये देखिए ये लीफ सारी मैंने हटाई हुई हैं। तो जो भी लीफ नीचे सॉइल को टच करती है उसको आप हटाते रहें, जिससे आपके प्लांट को फंगस नहीं लगेगी। और फिर हम अब उसकी बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, लगाते हुए जैसे मैंने कहा एक हिस्सा खाद डलेगी इसमें, उसके बाद हर 15 दिन में, महीने में एक बार तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद एक मुट्ठी दे दीजिए, जब इसका फ्लावरिंग सीज़न है। मैं गर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल कर रही हूँ, कि एक मुट्ठी जो है महीने में एक बार, वैसे मैं गर्मी में भी आधा मुट्ठी तो महीने में एक बार देती हूँ इनको खाद। और हर 15 दिन में आप इसको लिक्विड, मैं तो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिसमें जो गोबर जो होता है, गोबर की खाद या सूखा हुआ गोबर जो होता है, वो सरसों खली, नीम खली, इन मेनली तो यही होते हैं उसमें, और गौमूत्र थोड़ा सा मिलाती हूँ, और वो भिगो के रख देती हूँ 10-15 दिन, महीना। मैं जो बनाती हूँ प्रॉपरली वो तो 1.5 महीने बाद होता है, तो वो जब भीग जाता है अच्छी तरह, तो वो ड्रम्स देखे सामने, उन ड्रम्स में मैंने वो भिगो के रखे हुए हैं, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। उसमें से फिर मैं 1 लीटर निकाल के 10 लीटर का डाइल्यूशन करके, और वो अपने सब पौधों को देती हूँ 15 दिन में एक बार, तो वो भी मैं इनमें भी दूंगी, अब जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सब में दूंगी। तो अगर आप इतना नहीं बना सकते तो आप खाली जो है वो सरसों खली और गोबर की खाद जो होती है बनी हुई प्रॉपरली आपके पास, या वर्मी कंपोस्ट, उसको आप भिगो दीजिए रात को पानी में, एक बाल्टी पानी में 2-3 मुट्ठी खाद और 1 मुट्ठी सरसों खली, उसको आप भिगो दीजिए, और वो अच्छी तरह जब भीग जाए तो या तो आप सुबह भी दे सकते हैं, या 1-2 दिन उसको पड़ा रहने दीजिए, फिर उसका एक डब्बा उसमें से उसको एक और डाइल्यूशन कर लीजिए। उसमें जैसे 1 बाल्टी लिया आपने, उसको आप 1.5 बाल्टी बना लीजिए या 2 बाल्टी बना लीजिए, और वो फिर आप अपने सारे पौधों को 15 दिन में एक दे दिया करिए, इसमें भी दिया करें, तो उससे जो है वो ये प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो 1 चम्मच DAP छोटा चाय का चम्मच, और 1 चम्मच पोटाश का पाउडर जो है आप मंथ में एक बार इसको दे सकते हैं, वो फूलों के आने के लिए ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।